इस वक्त उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से बादल फटने की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, मिल रही जानकारी के अनुसार पिथौरागढ़ जिले की धारचूला तहसील के दारमा घाटी में बादल फट गया है। यहां के एसडीएम की ओर से बताया गया है कि अभी तक किसी भी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राजस्व की टीम को मौके पर भेजा गया है। वहीं बादल फटने के बाद हुए भारी भूस्खलन से पूरा मलबा और बोल्डर सड़क पर आने से मार्ग बंद हो गया है। इसके चलते चल गांव के लगभग 200 लोगों को आवाजाही बंद हो गई है। यहां तक कि पैदल पुल और ट्रॉली भी नष्ट हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सड़क मार्ग बंद होने के कारण लोग उफान पर चल रहे नालों को बमुश्किल पार करके आवाजाही कर रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू के लिए गई है, लेकिन सड़क मार्ग बंद होने के चलते राहत कार्य में काफी दिक्कतें आ रही है। लंग राम रहा जल जो करे यारी एक आदमी आ गया तू आराम से आओ आराम से। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।